तो वो हम देख लेंगे। अभी किसी भी व्यक्ति को गैस है और बहुत जबरदस्त तीखी गैस है, सीवियर गैस है, उसको हम तुरंत कैसे ठीक करेंगे? क्विक जिसे बोलते हैं एकदम तीखी गैस है, वो अभी आपको बताइए सर। गैस और एसिडिटी, ठीक है जी। नाभि गिरना और गैस एसिडिटी ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन नाभि के कारण ज्यादातर गैस बनती है। अच्छा। अगर हमें गैस भी बनेगी तो भी नाभि गिर सकती है। अच्छा। दोनों आपस में बहुत तंगड़ा जॉइंट करते हैं। अगर हमें बहुत तीखी गैस बनेगी तो भी हमारी नाभि गिर जाएगी या ऊपर आ जाएगी, अगर नाभि गिरी है तो भी हमें गैस बन जाएगी और बहुत सारी चीजें आ जाएगी। अभी इनको जो बता रहे हैं वो सिर्फ गैस के लिए, गैस और एसिडिटी के लिए, ठीक है। किसी को तुरंत आराम अगर करना है गैस और एसिडिटी का तो हम किस प्रकार उसको करेंगे, ठीक है। पहले तो देखने की हम क्रिया देखेंगे, क्रिया डालेंगे, ठीक है। कि अगर किसी को गैस बन रही है तो हम कैसे देखें कि गैस बहुत अच्छी बन रही है, बहुत तीखी बन रही है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, उसी हिसाब से हम देखेंगे ये इनकी नाभि है। हाँ जी, नाभि के ऊपर ये वाला पार्ट हमारा स्टोमक का है। हम हल्का सा ऐसे दबाएंगे, जोर से नहीं दबाया, ठीक है। इससे पता लगता है कि उनको कितनी गैस है। दुनिया के बड़े शहरों में हर व्यक्ति को गैस है, क्योंकि यहाँ के पानी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगर हम ये नाभि है, नाभि के ऊपर ये देखेंगे, ये देखिए मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, अगर मैं हल्का सा ऐसे कर दूंगा तो इनके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि इनको उस समय ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कोड़े में कोई हथौड़ा मार रहा है, बहुत तीखा हथौड़ा मार रहा है। दुनिया की सबसे बेस्ट डायग्नोसिस पॉइंट है ये गैस कवच का, गैस और कवच का डायग्नोसिस करने का, ठीक है। अगर हम इस प्रकार ऐसे टच करेंगे तो ये देखिए यूरिन में जलन तो नहीं आती। अच्छा, ये मतलब कवच भी आपको बॉडी क्लियर नहीं होती क्योंकि दर्द नहीं होता। तो ये अगर इसको हमने ठीक करना है इस वाले एरिया को, तो इस वाले एरिया को ठीक करने के लिए हमने इसके बैक साइड, जस्ट बैक साइड, स्टोमक की जस्ट बैक साइड बिल्कुल उल्टे वाली जगह को हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है पेट के बाद। जस्ट बैक साइड, ठीक है। अगर इनको तीखी गैस है तो इनको हर हाल में इधर भी ये दर्द होगा, हर हाल में इनको जस्ट ये स्टोमक के जस्ट बैक साइड में ये इनको अगर मैं रीड करके मैं ऐसे टच करूंगा तो ये ऐसे चिल्लाएंगे। देखिए ये देखिए मैं सिर्फ टच कर रहा हूं तो हाँ जी, ये रीढ़ गड्ढी में दर्द है या तो फोड़े जैसा है, ये मैं सिर्फ ऐसे टच कर रहा हूं तो इनको बहुत तीखा दर्द है। इसका मतलब हमने इनकी इस एरिया को एक्टिवेट करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से और यहां तक, ठीक है। हाथ ऊपर कीजिए, तो उसके लिए हम अपनी हथेली का यूज करेंगे इस प्रकार। बीस तीस बार ऐसे और 20-20 बार हम ऐसे, सभी को दिखाएं। ये दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है घर में क्विक गैस को खत्म करने का, रिलीफ देने का, ठीक है। जिस व्यक्ति को गैस बनती है उसके बैक साइड में पीछे ये जरूर दर्द होगा, अच्छा खासा दर्द होगा, स्टैंड पड़ रहे होंगे पीछे, क्योंकि पूरी बॉडी खिंच रही होगी, अकड़न होगी। ऊपर का पॉइंट तो नाभि के नीचे, सिर्फ नीचे तो है नहीं, नाभि के दूसरी जगह तो है बाद में, तो आपको स्टोमक के जस्ट बैक का नाभि पहले क्लियर कर लो, स्टोमक के जस्ट बैक का ये वाला नाभि हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो हम उसको एक्टिवेट कर देंगे पूरा। यस यस नहीं नहीं ठीक है, सीधे हो जाइए, डिसाइड नहीं 20-30-50 वाली, बस ज्यादा नहीं देना। उसके बाद में दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, हल्का सा किसी चीज का सहारा लेंगे, हल्का सा किसी भी चीज का ऐसे अपनी वैसे में जरूरत नहीं हो सॉक्स उतार देंगे, इस जगह का हल्का सा पाउडर लगाएंगे, कुछ नहीं करना, हल्का सा हाथ से या एड़ी से ऐसे से इसको एक्टिवेट कर देंगे। इसको मत जो स्टमक में मल चिपका हुआ है, जो स्टमक में हमारे में एसिड है, तेजाब है, जो तेजाब उसके अंदर है, हम ऐसे अभी मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होती तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे सकते थे ऐसे, इस तरीके से नाभि तक देना, नाभि तक हाथ से भी दे सकते हैं, ठीक है, हाथ से भी दे सकते हैं और एडी से भी दे सकते हैं, अगर बहुत कम प्रॉब्लम है तो हम
तो उसको पैसे जाए, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। जी मिचलाता है, घबराहट होती है आपको, बिल्कुल खुद भी कर सकते हैं। चक्कर आना, वॉमिटिंग होना एसिडिटी से, और पेट का फुलावा रहना, ये सब सारी चीजें उसमें रहती हैं। ये कितनी बार बस 15-20 बार इतना ही करना, जितना सामने वाला सहन करे। उसके बाद में फिर हम इनको क्या करेंगे कि वही टॉफिंगर वाली क्रिया करेंगे, अगेन टॉफिंगर वाली क्रिया करेंगे, जिससे कि इनका स्टोमक एक्टिवेट हो तुरंत, तुरंत इनका स्टोमक एक्टिवेट हो जाएगा और इनको काफी अच्छा लगेगा। इनको तो उनसे भी ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि मैं सब टच करूंगा इनको, तो भी इनको दर्द, आप सीधे लो ने किया था। अभी देखिए मैं ऐसे सिर्फ टच कर रहा हूँ उनको, ऐसे इस प्रकार कुछ नहीं कर रहा, ऐसे तो इनको बहुत तीखा दर्द होगा, ये सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके स्टोमक बहुत ज्यादा खराब है। कोई भी व्यक्ति ये ट्रीटमेंट दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हमारे पुराने प्राचीन भारत की पद्धति है, प्राचीन तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है, वही काउंटिंग करेंगे, सेम प्रेशर देंगे, उतना ही प्रेशर देंगे जितना हम सहन कर सकें। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं हम, और नहीं क्रॉस करेंगे तो हम इसको फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड अपर और थर्ड एक्सटर्नल ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो बस ऐसे हम टच कर रहे हैं तो उनको बहुत दर्द है, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम सेम एनएमएस इस प्रकार देंगे, इस प्रकार, मतलब मेरे बहुत बहुत ही हल्का मोड़ा है, उसके बाद में इनको ये सारी प्रॉब्लम है। अगर मैं ज्यादा मोड़ता तो इनको बहुत ज्यादा तीखा दर्द होगा। गीला छोड़ दो, गीला छोड़िए, थ्री टाइम 6-6 सेकंड हमने पूरा रोकना है। मिडिल में यहाँ से लेंगे, मिडिल से आराम से ऐसे जाएंगे, धीरे से मोड़ते हुए जाएंगे, और नेल्स के आखिरी वाले एंड वाले पार्ट पे आके 6 सेकंड के लिए रोकेंगे पूरा इस प्रकार। ये जब तक गैस खत्म ना हो जाए जब तक देना है, ऐसे हम लेंगे, ऐसे इस वाले लास्ट वाले पार्ट पाएंगे, हल्का सा ऐसे मोड़ेंगे इस तरीके से। डेली कितनी जिस मर्जी उम्र में दे दो, प्रेशर अकॉर्डिंग टू जो सामने वाला ले रहा है उसके अनुसार, प्रेशर कोई भी ऐसा ना दे। मैडम आप थोड़ा साइड हुई या उधर, या फिर पीछे किसी को देख लीजिए, आप थोड़ा पीछे हो जाओगे, या फिर आप इधर आए बैठ जाओ, आपके कारण दूसरे लोग नहीं देख पा रहे, आप बैठ जाओ, आप चेयर पे जाओ, चेयर पे नहीं तो तुम ये कम्प्लीट हो गया। अभी इनको हम क्या करेंगे और अभी देखेंगे, इनको अभी है अभी, इसका मतलब उनको कम हुआ है, इसका मतलब स्टोमक एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट हुआ है ना स्टोमक। खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद में जो हमने जो हमारा बिग डो था वाला, तो उस पर हल्का हल्का प्रेशर देना है, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं करना, थोड़ा पीछे हुई पैर आगे लाई, कुछ नहीं करना, वो इसी पे हमने आराम से ऐसे अपने अंगूठे से ऐसे प्रेशर देना है, इस तरीके से प्रेशर देके 6 सेकंड रोक के रखना है उसको, ठीक है, नाखूनों से ऊपर तक पूरे पे अपने अंगूठे से थोड़ा इस प्रकार से 6 सेकंड है।
अभी देख के बताइए कुछ तो इनको बहुत तीखा जो था वो बहुत अच्छी गैस है, अभी ठीक है, अभी ये कम हुआ ठीक है जी।